दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टूल्स जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की अपने इस पहले टूल के साथ। नंबर 8, इलेक्ट्रिक स्ट्रैप वाइंडर। दोस्तों स्ट्रैप्स का इस्तेमाल तो काफी जगहों पर किया जाता है, जैसे कि कभी कभी चीज और सामान को बांधने के लिए स्ट्रैप्स जरूरी होती है, या फिर अगर देखा जाए तो बैरिकेटिंग्स वगैरह लगाने के लिए भी स्ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर स्ट्रैप्स की लंबाई बहुत ज्यादा होती है तो उसे समेटना बहुत मुश्किल होता है। जहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के इलेक्ट्रिक स्ट्रैप वाइंडर को, जो कि स्ट्रैप्स को लपेटने का काम सेकंड्स में कर सकता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये एक हैंडहेल्ड गैजेट है जिसे कि आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं, और जब भी आपको स्ट्रैप्स को लपेटना हो तो स्ट्रैप के एक हिस्से को जब आप इसमें फंसा देते हैं तो बड़ी तेजी से ये गैजेट उसे रोल कर देता है, यानी कि स्ट्रैप्स को लपेटने का काम बड़ी ही फटाफट वाली तरीके से किया जा सकता है इस गैजेट की मदद से। तो यूजर्स तो इसके छोटे से रहते हैं, लेकिन काफी कमाल का तब हो जाता है जब आपको काफी सारी स्ट्रैप्स को लपेटना हो। नंबर 7, टेरा ट्रेंचर। दोस्तों फार्मिंग के दौरान अक्सर ट्रेंचेस वगैरह बनाई जाती हैं, यानी कि ऐसी छोटी छोटी नालियां जिसमें कि पानी लगाया जा सके, और कभी कभी तो फसल बोने से पहले भी ट्रेंचेस बनाई जाती हैं जिससे कि फसल को एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाया जा सके। तो इसके लिए किसान को हाथों से ही छोटी छोटी नालियां बनानी पड़ती हैं, जो कि बहुत मेहनत वाला और समय लेने वाला काम है, जिसमें कि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है गर्मियों के मौसम में। तो दोस्तों इसके लिए इस तरीके के गैजेट को खास तौर पर बनाया गया है, जो कि ट्रेंचेस तैयार करने का काम चुटकियों में कर पाएगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है जिसे कि आप जैसे ही जमीन पर लगाते तो ये उसे बहुत ही बारीकी से काट देगा, जो कि किसानों की बहुत मेहनत बचा देता है। साथ ही दोस्तों ये समय भी बहुत कम लेता है, जिससे कि काफी सारा काम किया जा सकता है एक ही दिन में। तो इस तरीके का गैजेट उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जिनके लंबे लंबे फार्म्स हैं, या फिर पानी लगाने से पहले छोटी छोटी नालियों को तैयार करने में भी ये बेहद फायदेमंद रहेगा। तो एक तरीके का फार्मिंग गैजेट होता है जो कि किसानों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस कमाल के गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, वेबर रेस्क्यू पुश कंट्रोल। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि इमरजेंसी कंडीशंस के लिए ही बनाया गया है। अगर किसी भी तरीके का रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जिसमें कि कोई इंसान फंस जाता है गाड़ी के अंदर, तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद वो पूरी तरीके से पिचक जाती है, जिसके बाद ऐसी सिचुएशंस में डोर का ओपन होना लगभग नामुमकिन सी बात है, जिसकी वजह से अक्सर खिड़की तोड़कर या फिर दरवाजे को तोड़कर लोगों को बाहर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है जिससे कि ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकेगा। ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा गैजेट होता है जिसे कि आपको अपने हाथों से ऑपरेट करना होगा, और जैसे ही आप इसे ट्रिगर करते हैं तो इसका जो एक हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से फैल जाता है, जिससे कि ये दरवाजे वगैरह को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। तो इस गैजेट की मदद से बड़ी ही आसानी से लोहे को हटाकर किसी को भी रेस्क्यू किया जा सकता है, जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप ये काम हाथों से करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है आप उस काम को आसानी से कर भी ना पाए, लेकिन इस गैजेट की मदद से ये काम चुटकियों में हो जाएगा। नंबर 5, ग्लास एक्स टर्बो। दोस्तों बात अगर इस गैजेट की हो रही हो तो ये भी खास तौर पर रेस्क्यू पर्पस ही बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन पर किया जा सकेगा, यानी कि अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ऐसे में उसे बाहर निकालने के लिए आपको ग्लास वगैरह तोड़ना पड़ता है। लेकिन ग्लास तोड़ने में और भी ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि ग्लास टूटने पर वो अंदर बैठे लोगों को और भी ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। तो इसके लिए इस गैजेट को बनाया गया है, जो कि एक तरीके का अटैचमेंट होता है जिसे कि आप अपनी ड्रिल मशीन के साथ ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही आप ड्रिल मशीन के ट्रिगर को पुश करते हैं तो ये ग्लास तोड़ने का काम बड़ी आसानी से शुरू कर देगा। इसकी खास बात यह होती है कि जहां पर आप ग्लास को तोड़ते हैं ये ठीक उसी जगह से ग्लास को ब्रेक करना शुरू करेगा, यानी कि पूरे ग्लास के टूटने का कोई सवाल नहीं होता, जिससे कि आप ग्लास के एक हिस्से को तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं और किसी भी तरीके की चोट लगने का भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता। तो इस तरीके का एडवांस अटैचमेंट काफी लोगों को रेस्क्यू कर सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में, जिससे कि ग्लास को सेफली तोड़कर लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। तो अगर आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद आई हो तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों नंबर 4, स्लॉगिंग हैमर। दोस्तों इस गैजेट का इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल पर्पस किया जा सकता है। दोस्तों अक्सर जो बड़ी बड़ी पाइपलाइंस वगैरह होती हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं उनमें काफी बड़े बड़े नट बोल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि समय के साथ साथ जंग खा जाते हैं और जिन्हें खोलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो इस काम के लिए रिंचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि रिंचेस पर हथौड़े की चोट से बोल्ट को खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस दौरान अक्सर लोगों को चोट भी लग जाया करती है और बोल्ट ओपन भी नहीं होते। तो इसके लिए खास तौर पर इस गैजेट को बनाया गया है, जिसमें कि आपको एक टेलीस्कोपिक हैमर मिल जाता है, जिससे कि आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। इसकी खास बात यह होती है कि साइज में बेहद छोटा रहेगा और आप इसे किसी भी तरीके के बोल्ट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसके हैमर से चोट करते हैं तो ये उसे काफी हद तक खोलने की कोशिश करता है, और इसके दूसरे हिस्से को काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया है, जिससे कि काफी सकरी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से किया जा सकेगा। तो एक चीज इसकी मजेदार ये रहती है कि इसे ओपन करते वक्त हाथ में चोट लगने का भी कोई खतरा नहीं होता। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि खास तौर पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ही बनाया गया है। नंबर 3, साइकॉप।
दोस्तों बैकपैक्स का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं अपने जरूरी सामान को साथ लेकर कैरी करने के लिए, लेकिन ज्यादातर जो बैकपैक्स होते हैं वो बड़े ही ट्रेडिशनल हिसाब किताब वाले होते हैं जिसमें कि जिपर्स लगे होते हैं और आप उसमें अपना सामान रख पाएंगे। लेकिन बात अगर हम इस बैकपैक की करें तो ये ट्रेडिशनल बैकपैक से काफी ज्यादा अलग होता है, क्योंकि दोस्तों जो इसमें आपको जिपर दे रखी होती है वो 20 से ओपन होती है, जिससे कि आप इसे 20 से ओपन करके अपना काफी सारा सामान इसमें रख पाएंगे। यानी कि अगर आप अपने कपड़े वगैरह साथ में लेकर कैरी कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से रख सकते हैं इसमें, जिससे कि कपड़े आपके एकदम रिंकल फ्री रहेंगे। वहीं दोस्तों इसमें आपको अलग अलग सेक्शंस दे रखे होते हैं अलग अलग सामान को रखने के लिए, जैसे कि अगर आप अपने कीमती सामान को इसमें रखना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक अलग से सेक्शन दे रखा होता है जहां पर अपने मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसी चीजों को रख पाएंगे। वहीं इसमें आपको एक क्विक एक्सेस पॉकेट भी दे रखी होती है, जिससे कि अगर आप किसी सामान को बार बार निकालते हैं तो फटाफट इससे निकाल कर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो काफी सारे एडवांस फीचर्स दे रखे होते हैं इस बैकपैक में जो कि इसे खास बनाता है, और मुझे लगता है कि ट्रैवल पर्पस इस तरीके के बैकपैक का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा बेहतरीन भी रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का बैकपैक कैसा लगा। नंबर सेकंड, मिस्टर लॉन्ग्राम पेंट एजर। पेंटिंग के दौरान आपने दोस्तों अक्सर ये फील किया होगा कि जो दरवाजों की एजेस होती हैं या फिर जो खिड़की के आसपास की जगह होती है वहाँ पर पेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और अक्सर ब्रश की मदद से या फिर रोलर की मदद से वहाँ पर पेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अक्सर जो एजेस वगैरह होती है वो यूं ही छूट जाया करती है या फिर वहाँ पर आपको रफ पेंटिंग दिखाई देती है, क्योंकि एजेस पर पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए इस गैजेट को बनाया गया है जिससे कि ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकेगा। दोस्तों इसमें एक छोटा सा पैड लगा होता है इसके निचले हिस्से पर, जिससे कि एजेस को बहुत ही आसानी से कवर किया जा सकेगा। बस आपको इसे कलर में डुबोना है और एजेस पर हल्का हल्का लगा देना है, जिससे कि आपको वहाँ पर एकदम फिनिश पेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट भले ही छोटे से काम के लिए बनाया गया है, लेकिन काफी ज्यादा यूजफुल होता है अगर आप भी अपने कमरे को एकदम वेल फिनिश देखना चाहते हैं। नंबर वन, टूल स्टोरेज स्टैंड। दोस्तों घरों में अक्सर साफ सफाई से जुड़े ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो कि अक्सर ऐसे ही पड़े रहते हैं, जैसे कि झाड़ू, वाइपर या फिर इस तरीके की चीजें। तो इन्हें रखने के लिए खास तौर पर इस तरीके के टूल स्टैंड को बनाया गया है, जिसे कि आप अपने घर पर लगा सकते हैं और सारी चीजें एकदम ऑर्गेनाइज वे में इस पर रख पाएंगे। इसकी खास बात ये होती है कि साइज में बेहद छोटा रहता है और काफी कम जगह घेरता है। इसे आपको घर में खुद ही इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे घर के एक कोने पर रख सकते हैं जहां पर आप अपने घर के सारे साफ सफाई के टूल्स इसमें रख पाएंगे, जैसे कि झाड़ू, वाइपर या फिर इसी तरीके की और भी चीजें। तो फिलहाल अभी दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये बताएगा कि अभी आप इस तरीके की चीजें घर में कहाँ रखते हैं, और अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और वीडियो में दिखाई गई किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।